डे नाइट टेस्ट से पहले सचिन तेंदुलकर ने दी थी विराट को सलाह, अब हुआ खुलासा। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले दिन रात के टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने रविवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में बांग्लादेश को एक पारी और 46 रनों से हरा दिया। मैच से पहले शुक्रवार शाम विराट कोहली पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सुझाव दिया कि गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच में दूसरे सेशन को नियमित टेस्ट मैच के मॉर्निंग सेशन की तरह लेना चाहिए। इसके बाद रविवार को मैच जीतने के बाद कोहली ने कहा, जब दिन ढलने लगता है तो गेंद स्विंग और सीम करने लगती है। उन्होंने भी वही बात दोहराई जो सचिन ने कही थी। कोहली ने कहा, इसलिए गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच के पहले सेशन में आप लंच से लेकर चायकाल तक सामान्य रूप से खेलते हैं, दूसरा सेशन सुबह के सत्र की तरह होगा और अंतिम शाम की तरह। उन्होंने कहा, योजना में बदलाव होता है इसलिए रणनीति और टाइमिंग भी बदल जाती है। एक बल्लेबाज के रूप में आपका सेटअप बदलता है, यहाँ तक कि अगर आप क्रीज पर सेट हो चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो भी अंधेरा होते ही लाइट्स जलने के बाद आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। बता दें कि इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-0 से जीत ली। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में पिंक बॉल से डे नाइट फॉर्मेट में खेले गए इस टेस्ट मैच में भारतीय पेसर्स का जलवा रहा। भारत की इस जीत ने एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। यह टीम इंडिया की लगातार 4 टेस्ट जीत है जिसमें उसने पारी और रनों के अंतर जीत दर्ज की है। इससे पहले दुनिया की कोई भी टीम ऐसा नहीं कर पाई थी।